रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मस्जिद पर पथराव से मचा हड़कंप, महिला समेत 5 लोग घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर खतौली ग्राम भगेला में दो पक्षों में संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इसके विरोध में कुछ युवकों ने दूसरे पक्ष पर पथराव कर दिया। पथराव में एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य है। पुलिस ने लोगों से आपस में प्रेम पूर्वक त्यौहार मनाने की अपील की, जिसके बाद त्यौहार सकुशल मनाया गया। सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में होली का दहन कराया गया। एसपी सिटी सहित मौके पर आला अधिकारी जमे रहे। क्या नाम आपका? पूर्व प्रधान नफीज अहमद। नफीज जी, क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ, होली है हमारे घर के सामने जी, वहाँ दारू पी के महेंद्र नाई के सामने, घर के सामने ये 6-8 लोग बैठे थे जी रोड के, ठीक करने को तैयार थे होली माग लगाने के लिए ये, ठीक। और उसे सुभाष को पिटा इन्होंने, नेताजी के लड़के को कार में था। हम चौकी पे चले गए, हमने मौकी सिपाहियों पे आ रही हुई गाड़ी दे रहे, दारू पी रहे, सड़क पर खड़े पल्ली बाहर, ठीक। किसी ने निकला उन्होंने मस्जिद पर पथराव करा, है नी, और मैं मस्जिद पर खड़ा था, वे नमाज पढ़ रहे थे और डंडाबाजी कर दिया तकड़ा हमारे सदी पर बचाए सब। आपने पुलिस को जानकारी दी? हमने पुलिस को जानकारी दी, हमारे चौकीदार डंडे हैं इंस्पेक्टर साहब को दो फ्री फोन करा हमने। कितने लोग घायल हैं? घायल है 4 लोग, एक तो सलमा है नी, एक नफीस, एक इमरान और एक लड़का और है। सर, भंगेला में मारपीट का मामला सामने आया, ये जानकारी मिली थी कि यहाँ भंगेला में कुछ भगदड़ हुई है या एक दूसरे के पक्ष की पिटाई हुई है? पता लगा कि कोई शराब पी के बच्चे एक दूसरे से झगड़ रहे थे, उस पक्ष में कुछ गलतफहमी हुई है, दूसरे गांव के कुछ लोग आए हैं, उन्होंने मारपीट की है, और ये एक ही संप्रदाय का था, जबकि बाद में दो पक्ष इसमें आपस में भिड़ गए थे। जो मेडिकल कराया गया है कुछ लोगों का, जिनको चोटिल हैं उनको हॉस्पिटल भेजा गया है, बहुत मामूली सी चोट है, 2 मिनट में ठीक हो जाएंगे। और उसके बावजूद अगर कोई वैसे व्यक्ति हैं जो लोग इसमें संवेदनशील बनाते हैं या कुछ गलत चीज़ें करते हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि आगे समय में कुछ हो ना पाए। मस्जिद में भी पत्थर जाने का मामला है? हाँ, उसी के संबंध में मुझे यह कहना है कि वो छोटा विवाद था, बस दूसरे पक्ष के लोगों को ये पता नहीं था कि वो पत्थर कहाँ फेंक रहे, और पर बीच में मस्जिद थी तो शायद इस वजह से लगा होगा, बट ऐसा कोई भी हिंदू और मुस्लिम के बीच का कोई विवाद नहीं। अभी यहाँ प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है? प्रेजेंट में कुछ नहीं है, पुलिस फोर्स है, शांतिपूर्ण है, थोड़ा तनाव है, लेकिन हम सब लोग यहाँ पर हैं, एसडीएम साहब यहाँ पर है, मैं हूँ यहाँ पर, थाने की फोर्स है, हम लोग QRT और पुलिस PAC इसमें पिकेट लगा के रखेंगे। सर, पहचान हो पाई है जिन लोगों में पथराव हुआ है? हाँ, उनकी पहचान की जा रही है, कोई CCTV या कोई अन्य लोगों के मामले से अगर कोई बात आती है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी।